शिवराज के आगे अब दिल्ली भी नतमस्तक। बेटे कार्तिकेय ने मोदी को दिखाया आईना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शिवराज सिंह चौहान का नाम आज हर तरफ गूंज रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले साइड करने के बाद अब केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया है, उसके बाद से चारों तरफ बस शिवराज का गुणगान हो रहा है। कहा जा रहा है कि अब शिवराज की असली ताकत सबको दिख रही है, और अब लीजिए ना, शिवराज के बेटे ने भी ऐसा ही संदेश दिया है और बता दिया है कि उनके पिता के आगे कोई नहीं टिक सकता। कार्तिकेय ने मोदी को ललकारा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वक्त केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार्तिकेय अपने पिता की ताकत बता रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि उनके पिता के सामने दिल्ली भी नतमस्तक है। कार्तिकेय कह रहे हैं, पहले भी हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और लोकप्रिय हो गए हैं। इतनी प्रचंड जीत के बाद गए हैं तो पूरी दिल्ली भी नतमस्तक है। दिल्ली ही नहीं, देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े नेताओं की गिनती की जाती है तो उनमें हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान की गिनती होती है। आप भी शिवराज के बेटे का पहले वो बयान सुनिए। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की गिनती की जाती है। और ये अगर संभव करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुधनी के लोगों ने, हमारे भैरुंडा नसुल्लागंज, हमारे चकलदी के, लालपुरी के, गोपालपुर के। अब कहा जा रहा है शिवराज के बेटे ने ऐसा कहकर पीएम मोदी को ललकारा है, क्योंकि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता सबसे बड़े नेता है, और क्योंकि मोदी ने जिस तरह से शिवराज को सीएम की कुर्सी से हटाया था, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। यही संदेश देने की कोशिश उनके बेटे कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली उनके सामने नतमस्तक है। कहा जा रहा है कि संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि शिवराज किसी से कम नहीं है और सीएम पद से हटाने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस भी शिवराज के बेटे के बयान पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्तिकेय के बयान पर लिखा, शिवराज जी के युवराज कह रहे हैं कि दिल्ली डर रही है, ये 100% सच है, क्योंकि देश भी डरे हुए है, तानाशाह को गौर से देख रहा है। डर पार्टी के अंदर असहमति की आवाज है, डर बड़े नेताओं की बगावत का, डर गठबंधन के प्रबंधन का, डर समर्थन की सरकार के गिरने का, डर टिकी हुई कुर्सी के हिलते हुए पांव का। टीम बीजेपी ये मत सोचिए कि शिवराज जी की विरासत में कोई बच्चा है, लेकिन ये जरूर देखिए कि ये डर अच्छा है। फिलहाल बात करें शिवराज के बेटे की, तो शिवराज के बेटे कार्तिकेय वकील है, जिन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। कार्तिकेय की बुढ़नी से चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज है। जब कार्तिकेय 20 साल के थे तब से ये अपने पिता के साथ राजनीतिक सभाओं में जाते थे, और विधानसभा चुनाव के वक्त भी और लोकसभा चुनाव के वक्त भी इन्होंने अपने पिता शिवराज के लिए प्रचार किया था। कार्तिकेय लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है, लगातार कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात भी कर रहे हैं। फिलहाल शिवराज के बेटे के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की गिनती की जाती है। और ये अगर संभव करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुधनी के लोगों ने, हमारे भैरुंडा नसुल्लागंज, हमारे चकलदी के, लालपुरी के, गोपालपुर के।